30 अक्टूबर 2022 यानी कि रविवार को आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पास उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने के बाद सब कुछ राख हो जाता है, सब कुछ खाक हो जाता है और सब कुछ भस्म होने के बाद भीषण आग लगने के बाद भीषण अग्निकांड हो जाता है। और जब इस अग्निकांड पर शासन प्रशासन से सवाल किया जाता है तो शासन प्रशासन की टीम तुरंत जवाब देती है कि रिजॉर्ट और फैक्ट्री के अंदर जो इन्वर्टर ऑन थे, जो बैटरियां थी, उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने के बाद स्पार्क होता है। स्पार्क होने से चिंगारे निकलते हैं। चिंगारे निकलने से जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, जैसे कि गत्ते से बनी पेटियां, जैसे कि प्लास्टिक से बने कंटेनर और केमिकल और रसायन, वो आग पकड़ लेते हैं और आग पकड़ने से भीषण आग लग जाती है और एक बड़ा अग्निकांड हो जाता है। लेकिन जब यह अग्निकांड हो जाता है तो इस अग्निकांड से कई सवाल निकल कर सामने आते हैं जो शासन प्रशासन की टीम पर भी सवाल खड़े करते हैं। और इस न्याय प्रणाली में जो यह प्रोसेस चल रही है, जो ये प्रक्रिया चल रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं उन सभी सवालों पर जो इस अग्निकांड के बाद निकल कर सामने आए हैं। और अगर आप इन सवालों को सुन लोगे, समझ लोगे, तो आप भी यह सुनकर समझ कर बेहोश हो जाएंगे इस चीज़ को मानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि कहीं ना कहीं साजिश चल रही है, कहीं ना कहीं दुराचार के बाद भ्रष्टाचार के सबूतों को भी मिटाने की साजिश चल रही है। लेकिन मैं इन बातों का दावा नहीं करता हूँ, इन बातों की पुष्टि नहीं करता हूँ कि क्या ये बात सही है या झूठी है या हम लोगों के अंदर कुछ वहम है। लेकिन जब ये अग्निकांड हो जाता है, इतने संवेदनशील मामले में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आज तक कभी भी उस रिजॉर्ट में, कभी भी उस फैक्ट्री में आग नहीं लगी, लेकिन अभी 35 से 40 दिन ही हुए हैं इस हत्याकांड पर, लेकिन इतना बड़ा अग्निकांड हो गया है। इससे पहले बुलडोजर लग चुका है, इससे पहले वो कमरा तोड़ दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हटा दी गई है, वायर तोड़ी गई है, कपड़े जला दिए गए हैं, पेपर्स डॉक्यूमेंट सब जला दिए गए हैं, यानी कि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। और अब ऐसा लगता है कि दुराचार के बाद भ्रष्टाचार के सबूत भी मिटा दिए गए हैं और उनको मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस केस को यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे अब अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलेगा और ऐसा लगता है जैसे कि पुलकित आर्य को अब फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा और कुछ समय बाद उनको मुक्त कर दिया जाएगा और देश को भय युक्त कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि देश में अब कोई भी बहु बेटियां, चाहे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, छोटे बड़े और बुजुर्ग हैं, जो कमज़ोर हैं, वो अब देश में आज़ादी से नहीं घूम पाएंगे और हमारा देश कहीं ना कहीं अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से सवाल खड़े हुए हैं, कौन कौन से सवाल निकल कर सामने आए हैं इस हत्याकांड के बाद, इस अग्निकांड के बाद। लेकिन जो सवाल हैं वो सवाल सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे, अचंभित जरूर हो जाएंगे और ये सोचने में बेहोश हो जाएंगे कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं चल रही है। अग्निकांड के बाद जो सवाल निकल कर सामने आते हैं उनमें से जो पहला सवाल है वो थोड़ा सा पुराना है लेकिन नए सवालों से कनेक्ट है और नए सवालों से संबंधित है। पहला सवाल ये है कि हत्याकांड के तुरंत बाद रातों रात अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चलाया जाता है, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया जाता है और बुलडोजर भी सिर्फ अंकिता के कमरे पर चलाया जाता है और वहाँ से सारे सबूत मिटाए जाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, यानी कि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे के वायर थे उनको तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है और जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं उनको हटा दिया जाता है और अंकिता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जला दिया जाता है, उनके कपड़ों को जला दिया जाता है, वहाँ पर जो बेड शीट थी उनको जला दिया जाता है, यानी कि पूरे सबूत मिटा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो दूसरा सवाल निकल कर सामने आता है वह यह निकल कर आता है कि हत्याकांड के तुरंत बाद रिजॉर्ट और फैक्ट्री तो सीज हो चुकी थी, वहाँ पर सब कुछ सप्लाई होना बंद हो चुका था। जब वहाँ पर सब कुछ सप्लाई होना बंद हो चुका था तो बिजली की सप्लाई भी बंद हो चुकी थी और जब बिजली की सप्लाई ही बंद हो चुकी थी तो अब वहाँ पर इन्वर्टर में, बैटरियों में शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है, स्पार्क कैसे हो जाता है, चिंगारी कैसे निकल जाती है और सब कुछ भस्म कैसे हो जाता है। जब वहाँ पर बिजली की सप्लाई ही नहीं थी तो फिर इतना बड़ा अग्निकांड शॉर्ट सर्किट होने से कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि वहाँ पर बिजली की सप्लाई थी तो तीसरा सवाल खड़ा यही होता है कि वहाँ पर बिजली की सप्लाई क्यों दी गई थी जब रिजॉर्ट और फैक्ट्री सीज थी, जब रिजॉर्ट और फैक्ट्री सीज थी वहाँ पर सब कुछ सप्लाई बंद कर रखा था तो बिजली की सप्लाई क्यों चल रही थी? वहाँ पर तो सारे क्रियाकलाप बंद कर दिए गए थे। तो ये तीन सवाल खड़े हो गए हैं। चौथा सवाल जो खड़ा होता है वो यह होता है कि पुलकित आर्य ने इस फैक्ट्री के लिए सरकार से, बैंक से करोड़ों रुपये का लोन ले रखा था, करोड़ों रुपये का ऋण ले रखा था और उधार ले रखा था, कर्जा ले रखा था और लोगों का मानना यह है, जनता का मानना यह है, मीडिया का मानना यह है कि उन करोड़ रुपये पर क्लेम करने के लिए अग्निकांड किया गया है, वहाँ पर सारी फैक्ट्री को जला दिया गया है ताकि करोड़ों का क्लेम किया जा सके और पुलकित आर्य और विनोद आर्य का परिवार इस ऋण से मुक्त हो सके, यानी कि अपराध के ऊपर एक और अपराध। तो इतने सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं, इन्हीं सवालों को रखते हुए यह माना जा रहा है कि यह अग्निकांड एक बड़ी साजिश है और ये जानबूझकर किया गया अग्निकांड है।
ताकि पहले दुराचार के सबूत मिटाए गए और अब भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा सकें। आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये सवाल इस अग्निकांड पर बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, और जो हम इन सवालों को उठा रहे हैं क्या वह जल्दबाजी है? मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही जल्दबाजी कर रहा हूं, और ये भी हो सकता है कि देर हो लेकिन अंधेर ना हो और सरकार वे सारे फैसले ले जो जनता चाहती है। हो सकता है सरकार कुछ प्रॉब्लम में हो, कुछ परेशानियों में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो जनता ना समझ रही हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में अंकिता को इंसाफ जरूर मिले, कातिलों को फांसी की सज़ा जरूर हो, और सरकार जिन परेशानियों में, जिन उलझनों में उलझी है, उन उलझनों से बाहर निकले और इंसाफ करे, जनता को इंसाफ दे और हिंदुस्तान को भयमुक्त करे। इससे पहले कि मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करूँ, अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूँ, मैं देश की जनता से यही अपील करूँगा, चाहे हमारे देश में कितना भी गलत क्यों ना चल रहा हो, हमें देश की प्रॉपर्टी को ना ही जलाना है, ना ही तोड़ना है, ना ही नष्ट करना है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी सरकार की नहीं होती है, हम लोगों की होती है, जनता की होती है, पब्लिक की होती है। कई बार जनता आक्रोश में ट्रेनें जला देती है, कई बार आक्रोश में बस जला देती है, और सड़क पर रखी गरीब की बाइक जला देती है, और जिससे पब्लिक का ही नुकसान होता है, हम लोगों का ही नुकसान होता है, और सरकार का इसमें कुछ नहीं जाता है। इससे पहले कि मैं आज का ब्लॉग, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक नहीं दिया है तो प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जनता में, पब्लिक में जागरूकता फैल सके और जो इंसाफ हमारा देश चाहता है वो इंसाफ दिलाने में ये वीडियो मदद कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो से बाहर और लेकर आते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।